अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वरकातु। तो आज इंशाल्लाह ये हमारा मैथमेटिक्स 8 चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 है, इसे हम हल करेंगे। इससे पहले हम लोग फंडामेंटल्स इसका समझ चुके हैं, जो इसका मेन पार्ट है, जो इसमें डिस्कशन किए गए हैं वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 में भी हमने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ा है। अब यहाँ उसी क्वेश्चन को, उसी सॉल्यूशन को एक थ्योरेटिकल या एक केस के अंदाज में आपको दे रहा है। तो कहता है, इफ़ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, यू गेट 1/8, व्हाट इज़ द नंबर। यानी अगर हमारे पास एक नंबर है, लेकिन वो नंबर मादूम है, मालूम नहीं है, गैर मालूम है, गैर मारूफ है, कौन सा नंबर है इसका कुछ भी पता हमको नहीं है। उस नंबर में से, एक मजहूल नंबर में से अगर हम 1/2 निकाल दें और फिर जो रिज़ल्ट हमको मिले उसमें फिर हम 1/2 से ज़रब कर दें, तो जो हमको रिज़ल्ट मिलेगा वो होगा 1/8। तो 1/8 रिज़ल्ट आने के बाद तो बताइए वो कौन सा नंबर रहा होगा जिससे हमने 1/2 को घटा दिया और फिर जो रिज़ल्ट आया उसको हमने ज़रब कर दिया 1/2 से और हमको रिज़ल्ट मिल गया 1/8। ठीक है, अब जैसे कह रहा है कि हमारे पास कोई ऐसा नंबर है, क्वेश्चन एक है, हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिससे हमने 1/2 को घटा दिया। तो हमने x को मान लिया मजहूल नंबर, ऐसा मजहूल नंबर, उसको हमने x से डिनोट किया, x उसको मान लिया, ये हो गया x, उससे हमने घटा दिया 1/2 को। अब ये दोनों चीज़ें एक ही साथ हैं, ये एक साथ है और इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको हमने ज़रब कर दिया 1/2 से, और जब हमने इसके रिज़ल्ट को इससे ज़रब कर दिया तो हमको मिला 1/8। हम इससे पहले ऑलरेडी ये समझ चुके हैं कि ये यहाँ से लेकर कि यहाँ तक ये पूरा एक्सप्रेशन है और इसको मिला करके ये इक्वेशन है। ये एक्स वेरिएबल है और ये कंस्टेंट है, यानी ये साबित है, ये चेंज होने वाला नहीं है। अगर x के साथ कोई नंबर मिल करके आता है तो उसको कोफिशेंट कहते हैं। तो इसकी जो बुनियादी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। तो आइए अब इस इक्वेशन को हम हल करते हैं और आगे की चीज़ें इसमें जो बताई गई उन्हें समझते हैं। अब चूंकि ये ब्रैकेट में है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 को हम एक बार इससे ज़रब करेंगे और एक बार इससे ज़रब करेंगे। कोई भी नंबर, मिसाल के तौर पर अगर आपको है 2 ज़रबे 1 + 3, तो इसका मतलब है कि हम 2 से एक बार इसको ज़रब करेंगे, 1 को, और फिर इसी 2 से एक बार इसको ज़रब करेंगे। तो 2 × 2 करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर 2 × 3 = 6 करेंगे। इस तरह से ये 8 आएगा, एक बार इसका ज़रब और एक बार इसका ज़रब। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ भी हमें करना है, x से हमको ज़रब करना इसके साथ और इसको ज़रब करना इसके साथ। तो हम x को इससे ज़रब करते हैं और इसको इससे ज़रब करते हैं। अब हम x से एक बार ज़रब करेंगे तो आएगा x, और इसका नीचे क्योंकि हम यहाँ मान लेंगे 1/1, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1 × 1 और 2 × 4, इस तरह से 1/2 यहाँ पे, चूँकि हम मान लेंगे 1/1, तो हमने इसको इससे ज़रब किया 1 × 1 और फिर 1 × 2, फिर इसको 1 × 1, 2 × 4, ये इक्वल हुआ 1/8 के। अब इसको हल करें। अब देखिए हमारे पास एक नंबर आ गया, हमने उसको सिंपल कर लिया, ब्रैकेट से हम बाहर आ गए। अब इसको हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, इसलिए हम इसको बराबर करके इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम आएगा 4। अब 4 को हम इससे तकसीम करेंगे और 2 को, 2 से हम इस 4 को भी तकसीम करेंगे, तो 2 × 4 2 आया और 2 को हमने 1 से ज़रब कर दिया, यहाँ मिल गया हमें 2x माइनस 4 × 4 1 आया, और फिर हम 1 से हमने एक बार फिर ज़रब कर दिया तो हमको मिला 1। तो इस तरह से हुआ 2x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/8। अब चूंकि ये जो है ये टोटल, ऐसा नहीं कि हम इसको यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं इक्वेशन में, क्योंकि ये दोनों एक साथ मिला हुआ है और ये दोनों 2x माइनस 1 एक साथ डिवाइड है 4 से। तो अब हम यहाँ
ऐसा नहीं कि हम माइनस एक को इधर लेकर चले जाएं, अभी नहीं कर सकते, बल्कि हमें इस जो यहाँ पे डिवाइड हुआ है इसको हम इस साइड में ले जा सकते हैं, और इसे चूंकि यहाँ डिवाइड है तो जब ये इस साइड में जाएगा तो वो हो जाएगा ज़रब, तो हमने इसको इधर कर दिया, चार हो गया। अब चूंकि ये चार है तो हम उसको एक मान लेंगे, ऑलरेडी ऐसे मान लिया हमने इसको, ये ज़रब करना है, यहाँ पर डिवाइड था इसलिए यहाँ पर इसको ज़रब करना है, तकसीम मल्टीप्लाई करना है तकसीम, और जब उसका उल्टा होगा हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ज़रब हो जाएगा। इसी तरह से जब यहाँ माइनस होता है हम उसको दूसरी साइड में ले जाते हैं तो प्लस होता है, और अगर इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाता है। इसको हम ऑलरेडी इसको आप लोगों को समझा चुके हैं, तो अब इसको ज़रब कीजिए, चार एकम्मा चार, आठ एकम्मा आठ, इसको छोटा कर लीजिए, चार एकम्मा चार, चार दूनी आठ। अब पता चला 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। अब ये देखिए ये सिंपल में आ गया, ये भी एक फ्रैक्शन में है। अब इसको हम इधर कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि इसकी एक अब किसी अदर से डिवाइड नहीं है बल्कि ये दोनों अलग हो चुके हैं। अब माइनस वन को हम इधर लाएं, हो जाएगा 2x इक्वल टू 1/2, इधर माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अब चूंकि ये 1 है इसलिए हम 1/1 लिख सकते हैं। इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, और जोड़ने के लिए या घटाने के लिए हमको डिनोमिनेटर बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बराबर नहीं इसलिए हम इसको बराबर करेंगे। आएगा 2, 2 एकम्मा 2 एक आया, और 1 दुआ 2, जो जो रिजल्ट आएगा उससे हम उसको ज़रब करेंगे, हासिल ज़रब जो हम हासिल तकसीम जो हमारा आएगा उससे हम इसमें ज़रब कर देंगे। हमने 2 से इसको तकसीम किया, 1 आया, 2 एकम्मा 1, और फिर 1 से हमने इसमें ज़रब कर दिया, हमको मिला 1 प्लस। अब इससे हमको ये तकसीम करना है, 1 दुआ 2, और फिर जो हमको 2 आया उस 2 से हमने इसमें 1 से ज़रब कर दिया, हो गया 2। इस तरह से 3/2 2x हुआ इक्वल टू 3/2। इसको हम और सिंपल में लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2x, ये 2 जो है x के साथ ज़रब हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी साइड में जाएगा तो ये डिवाइड होगा, ये तकसीम होगा। अब आइए इस 2 को हम इधर लाते हैं, तो इधर जब आएगा तो ये तकसीम हो जाएगा, इधर 2 होगा। अब हम इसको यहाँ 1 मान लेते हैं, 2/1 यानी 1, 2/1 यानी 2। अब आप इसको ज़रब करें, जब इसको तकसीम करने में हम उलट देते हैं, रिसिप्रोकर कर देते हैं, यानी दूसरे आदद में से इसको ऊपर कर दीजिए, एक दूसरे को पलट देते हैं, एक को अपनी जगह पर रखेंगे बाकी और दूसरे को उलट देंगे। जैसे 3/2 है और 2/1 है तो हम उसको 1/2 कर देंगे जैसे, और उसको ज़रब कर देंगे 3/2 ज़रबे 1/2। तो यहाँ 2x ये हो जाएगा, हम यहाँ पे चूंकि x ले आए हैं इसलिए x हो जाएगा 3 एकम्मा 3, 2 दूनी 4, 3/4। इस तरह से ये जो x इधर आया हो जाएगा x बराबर 3/4। तो इस तरह से हम इसे हल करेंगे।